त्रिकोणासन। इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है।